सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। दीज आर कनेक्ट लेंस जो है। अब यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज 6.08 है, सॉलिड एक्सरसाइज है 6.08 ऑन द पेज नंबर 34 ऑफ योर पीडीएफ नोट्स। यहाँ पर क्या है, टू लेंसेज आर डाइवर्जिंग, वन डाइवर्जिंग ऑफ पावर टू डायोप्टर एंड अदर कन्वर्जिंग ऑफ पावर सिक्स डायोप्टर आर कंबाइंड टुगेदर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कम्बिनेशन। सो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर हमें पावर दिया गया है, दो लेंसेज हैं, एक डाइवर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग लेंस है और एक कन्वर्जिंग लेंस है। दैट मीन्स एक कनकेव लेंस है और दूसरा कन्वेक्स लेंस है। जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं उसको, उसका पावर दिया है, उसका पावर दिए टू डाइप्टर। सो हम चलो मानते हैं कनकेव लेंस का जो पावर है दैट इज रिप्रेजेंट बाई पी वन एंड दैट इज गिवन बाई माइनस टू डी। दिस इज द पावर ऑफ द कनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग कनकेव लेंस का जो पावर होता है दैट इज नेगेटिव, जो हमने कल भी पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा है। एंड द अदर वन, अदर इज कन्वर्जिंग लेंस, दैट इट इज कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के का पावर जो है वो पी टू रिप्रेजेंट करता है और दैट इज सिक्स डायोप्टर, और जो कन्वेक्स लेंस का पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। इन दोनों लेंसेज को हमने कंबाइन किया, हमने बताना है फोकल लेंथ क्या है कम्बिनेशन का और पावर ऑफ द कम्बिनेशन क्या है। वो जब दो लेंसेज, एक डाइवर्जिंग है उसका पावर ये है जो कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस जिसका पावर पी टू है सिक्स डी जो दिया है सिक्स डायोप्टर, इन दोनों लेंसों को हमने कंबाइन किया। तो हमने निकालना है इस कम्बिनेशन का, दोनों लेंसों का जब हमने कंबाइन किया इसका कंबाइंड फोकल फोकल लेंथ निकालना है एंड और हमने पावर ऑफ द कम्बिनेशन भी निकालना है। सो वी विल शिफ्ट द पेज नंबर 35। तो देखो, जो पावर ऑफ द कम्बिनेशन होता है, जब हमने पावर ऑफ द कम्बिनेशन होता है दैट इज गिवन बाई पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ द सेकेंड लेंस। सो पावर ऑफ द कम्बिनेशन जो होता है पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। अब पी वन हमारे पास माइनस टू है और पावर पी टू कन्वेक्स लेंस का पावर सिक्स है प्लस सिक्स। तो जो पावर ऑफ द कम्बिनेशन जो है, जब दोनों लेंसों को कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को हमने कंबाइन किया तो पावर ऑफ द लेंस निकला फोर डी प्लस फोर डी, क्योंकि प्लस निकला सो द पावर ऑफ द लेंस निकला फोर डी। अब हम निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन कितना है। जब ये सेंटीमीटर में दिया है, क्योंकि जो ये जो फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन लेंस है हमें पता है वो बराबर है पी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एफ। सो जो फोकल लेंथ जो होता है कम्बिनेशन का, जो पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन हमें निकालना है, हमें उसके लिए पता है हमें रिलेशन पी बराबर है 100 बाई एफ। अब पी हमने ऊपर निकाला क्योंकि फोकल हमने कम्बिनेशन का निकालना है। तो फोकल लेंथ हमें कैसे निकलेगा, जब हम ये का रिलेशन यूज़ करेंगे पावर का, वो पावर बराबर है 100 बाई एफ डायोप्टर जब सेंटीमीटर्स में होता है। तो फोकल लेंथ क्या निकलेगा, तो फोकल यहाँ पर ये बनेगा, फोकल लेंथ निकलेगा बराबर 100 बाई पी। यहाँ रिवर्स करेंगे, फोकल लेंथ हमें निकालना है, जो निकालना है वो लेफ्ट साइड निकलते हैं और ये पी जो ये नीचे आएगा क्योंकि पी हमें पता है ऊपर। सो ये बनेगा 100 बाई फोर, क्योंकि पावर हमने कम्बिनेशन का फोर निकाला है तो बनेगा 100 बाई फोर। सो फोकल लेंथ निकलेगा बराबर 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ द कम्बिनेशन, जब लेंसेज को हमने कंबाइन किया उसका कंबाइंड फोकल लेंथ पावर ऑफ द कम्बिनेशन ये निकला पी इक्वल प्लस फोर डी और फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन निकला 25 सेंटीमीटर। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। ये दीज आर अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स, ये वी आर गोइंग टू टेक सोल्यूशन। ये इसका जो हम कर रहे हैं, वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। टू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर केप्ट एट इन कंटेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये सॉल्यूशन निकालेंगे। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।